जिन लोगों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, करियर और स्थान में भी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन संपत्ति की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी, लेकिन मेंटली इस साल में परेशानियां रह सकती हैं, इसलिए मानसिक समस्याओं पर ध्यान बनाए रखना होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जब रावण का चित्र देखेंगे सिंहासन पर बैठे हुए, तो रावण के पैरों के नीचे कोई दबा रहता है। कौन है वो? देखिए, रावण ने युद्ध में 9 ग्रहों को पराजित कर दिया था, लेकिन शनि तो खतरनाक है, तो शनि की खतरनाक स्थिति के कारण रावण ने शनि को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। कुछ लोगों का मानना है कि रावण ने काल को यानी समय को भी अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। अगर आप किसी केस मुकदमे में फंस गए हैं, गलत आरोप लगा करके आपको किसी विवाद में फंसा दिया गया है, तो कैसे बाहर निकलें? काले वस्त्र धारण कर लीजिए, पैंट भी और शर्ट भी, और काले वस्त्र धारण करके ही स्नान कर लीजिए। इसके बाद काले वस्त्र बदल करके कोई अन्य वस्त्र पहनिए और काले वस्त्रों को अगले दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप किसी भी दिन ऐसा अगर करते हैं तो आप आरोपों से, झूठे इल्जामों से सुरक्षित हो जाएंगे। देखिए, जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं और जिन विवाहिता स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं, उनके ऊपर पितृ पक्ष की वर्जनाएं लागू नहीं होती, क्योंकि अगर पुरुष के माता पिता जीवित हैं तो वो पितृपक्ष के नियमों का पालन करेंगे, और अगर किसी शादीशुदा महिला के सास ससुर जीवित हैं तो वो पितृपक्ष के नियमों का पालन करेंगे। इसीलिए अगर आप पुरुष हैं, माता पिता जीवित हैं, आप पितृपक्ष को लेके परेशान मत होइए, और अगर आप शादीशुदा महिला हैं और आपके सास ससुर जीवित हैं तो आपको पितृपक्ष के लिए किसी तरह के परहेज की, किसी तरह के सावधानी की जरूरत नहीं है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।